वीवर, एक सैड न्यूज़ है, वेरी सैड। वो ये है कि आज वाइफ नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है कि अफजल भाई की जो बेगम है, मैंने पहले आपको बताया है कि उधर चली गया, तो उसका बड़ा ऑपरेशन बताया है, मतलब बच्चे का। वीवर, ये कुछ हशर किया है हमने, बाप बेटे ने मिल के, ठीक है, ये देखें। क्योंकि जो ग्रेट फ्रूट है ना, उसका वो बीच का माल खाया जाता है, और उसके बाद ये चीज जब छीलते हैं तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है, ये देखें, रेड रेड सा। वीवर, मेडिकल स्टोर पे बैठा हूँ, यहाँ से मैंने लेनी है टैबलेट, आपको पता है, सीने के दर्द के लिए। आपको 3 दिन दवाई खानी पड़ेगी। 3 दिन लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ठीक है, मज़े में माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मज़े में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा जो व्लॉग है ना, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा एवन, बड़ा ही सुपर डुपर होने वाला है, क्योंकि ये देखें, ये बैठ गया है बाइक के ऊपर, और ये बाइक कहाँ जा रही है? सीधा जा रही है चौक पे, क्योंकि इसका ना वो क्या लेना है, क्या इसकी जी यूनिफॉर्म लेनी है। फॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म क्या होता है? हाँ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जी इसकी लेनी है, और यूं समझ लें कि वर्दी इसकी, स्कूल वाली वर्दी लेनी है। हमारे दौर में पता क्या होता था, वो पीले कलर का कपड़ा होता था, हम उसकी सिलाई वलाई करके सीधा चले जाते थे स्कूल, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको दर्शक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर, उसके बाद हम चले मजेदार वीडियो की जानिब, लेट्स गो। तो वीवर आ चुके हैं बाहर, और ये भी पहुंच गया। हाँ, किधर जा रहे हो? बोलो बोलो। चौक पे, आप भी? हाँ जी। आपको ऑलरेडी पता है कि हम जा रहे हैं चौक पे, तो चलते हैं सीधा अपने सफर का आगाज करते हैं। दुआ में जरूर याद रखिएगा, मिलेंगे थोड़ी देर बाद रास्ते में, इधर उधर बाजार में वगैरह वगैरह ना तो खरा। ओके, सफर का आगाज कर चुके हैं माशाल्लाह, और अभी रास्ते में ही हैं। खुशी हो रही है? कितने किलो है? जोर से बताओ, कितने किलो? 3 किलो। अच्छा, मुझे ये बताओ, केले लेने हैं कितने दर्जन? 3 दर्जन। वाह जी वाह। किधर खड़ी थी? इधर नहीं है ना यार, वो दूर है। हाँ जी, तो वीवर माशाल्लाह, स्टील मिल का काम काफी हद तक हो चुका है। ये सामने इसकी इमारत, और तकरीबन ये सीजन तक हो सकता है कि चला दे इसको। ये स्टील मिल है। एक शॉप पे पहुंचे हैं, सबसे पहले वकार अहमद की हम लेंगे इधर से वर्दी, जिसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये छोटी है ना है? आप ऐसा करो, कमीज अपना उतार दो, ये चेक करो, वो वापस रखो, ये चेक करो, पूरी है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, ये बेबी साइज में ये सबसे बड़ी है, ऐसे। अच्छा जी, इसके साथ ये आ गई जी पैंट, सही है। चलें जी, ये वर्दी, इन्हें ब्लैक तो क्या नहीं ना? क्या है? अगर थी थोड़ा जी, पूरी है इंदा, बेल्ट वगैरह का सिस्टम होता है या बेल्ट इंदा? तेरा बेल्ट हा ना है तेरे खराब थे कड़े मेरे खत्म, ये तो ठीक ना मिले, वो खत्म हुआ मरिया भी ना, सही किताब है।
बिल्कुल जीरो मीटर है। चलो एक नाल बेल्ट ही दे रहे हो, बेल्ट भी ले लेते हैं और वर्दी उसकी हो गई है। वो देख से देख, वो ट्यूशन जाता है स्कूल जाता है उसके वर्दी भी आ गई। आप ट्यूशन नहीं जाते हैं स्कूल नहीं जाते आपकी वर्दी नहीं है। बग्या ने नहीं देखो, ये ना ही बोले तो अच्छा है। ये लड़ाई फाइट शुरू कर देगा। ये बेबी स्टाइल है जी, चेक करें सारे जबरदस्त। लगभग बेटी देगा फिर उसकी हम करेंगे शॉपिंग इंशाल्लाह। वर्दी ये लो जी, ये आपकी वर्दी हो गई। हाँ चले चले, आपने क्या लेने हैं केले और इसके होंठ काफ़ी खुश्क हुए पड़े हैं। इसका रीज़न ये है, इसकी ख्वाहिश हो रही थी कोई चीज़ बोलूं लेकिन स्कूल जाता नहीं है, क्या दूं। मेरी बात सुन, हेलो इधर देख, दही भले और मौलवी ने क्या बोला था, दही भले नहीं खाने ठीक है, केले लेते हैं और चलते हैं। ओके इधर ओके करो, चलो यार चलें। ठीक है सर मेहरबानी। वीवर मेन चौक पे पहुँचे हैं बाज़ार से निकलकर, और यहाँ पर आपको पता है फ्रूट वगैरह लेने पड़ते हैं जब बच्चे साथ में हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, जनाब कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है, माशाल्लाह माशा। यार ये इतनी छोटी छोटी क्यों है ये मौसमी, किधर है बड़ी, इसका रेट बताएं पहले। रेट है 100 रुपये, आप 80 रुपये लगा लेंगे। 100 रुपये 80 रुपये, 200 रुपये का 3 किलो देते हैं आपको, 2.5 किलो डाल देंगे। 100 रुपये का 200 नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है भैया। 200 रुपये 120 रुपये, 200 150 2.5 किलो मतलब 80 160 और 40 2.5 किलो पूरा। चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, समझ में आता है तो लेंगे वो भी रियायत के साथ। उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे क्योंकि यहाँ से सिर्फ मौसमी ही लेने वाली है, बाकी कोई जो जो भी चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही है। ओके माय फेवरेट मौसमी वो तो हो गई यार, देखना ये देख ये देख ये देख, मैं आपको बोलता हूँ ये निकाला करो। अब ये रास्ते में गिर जाएगा शाह पर, बेफिक्र क्या, वो पहले से फटा हुआ है। इसको तोड़ दिया करो ना, ये इसको तोड़ने के यार ये तरीका होता है, ये देख इधर से ऐसे। ये देख इसने क्या हशर किया हुआ है, पहले ये काम कर लेना था पूरा शाह पार की। सही किया ना वीवर, क्योंकि रास्ते में गिर गए कौन चुनेगा। चलो अब ओके है। हाँ ये सही है मौसमी, सही है। और क्या लेना है, केले नहीं, और क्या लेना है, ये वाले नहीं, उसे भी पता है ये वाले नहीं लेने बहुत छोटे हैं। बड़े वाले लोगे, हाँ बड़े वाले लोगे। यार ये जापानी फल है आप खाओगे नहीं मुझे पता है, लेकिन इसका रेट क्या है यार, 200 रुपये किलो। ये अभी पक्का हुआ भी नहीं है जैसे वो होता है अच्छे वाला, ये देखिए इसका रंग कैसा है। आप ऐसा करो आधा किलो दो, लेकिन आपने इस तरह का डालना है दाना, ठीक है, कलर नरम भी ना हो और उस पर दाग भी ना हो, और हाँ ये सही है। छिपकली दे मोले, हो गया आधा किलो, वे सोना तोल दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर,
यार ऐसे रहने दे, अब इतने सारा ये लिया है वो ले रहा हूँ। आप ही बताओ सर। मैं ही बताता हूँ ना, 100 रुपए के दे दो। चलो हो गए आपके 100। तीन कितने हैं? पांच। हाँ पांच बंदे हैं पूरे हैं, एक एक आ जाएगा। ये लो जी, बस वो भी हो गया सरदार। और क्या लेना है? और मैंने लेना है, ठीक है। हाँ मैंने फ्रूट वीवर ले लिए हैं, ग्रेट फ्रूट भाई। ये पैसे रखे हैं, पकाया दे दें। और ग्रेट फ्रूट हो गया, इसका केले अभी तक नहीं हुए, शुक्र है। केले नहीं लेने ना? लेने हैं, लेने हैं। तेरी जिंदगी दी खैर होवे, माशाल्लाह जी। पैसे भी बकाया हो गया और फ्रूट भी हो गया। अब चलते हैं सीधा वापस। फीवर मेडिकल स्टोर पे बैठा हूँ, यहाँ से मैंने लेनी है टैबलेट, आपको पता है, सीने के दर्द के लिए। आपको 3 दिन दवाई खानी पड़ेगी। 3 दिन लगातार? आपको बाहर सांस लीजिए, फिर तो मर जाऊँगा। नहीं मरता यार, जब सांस नहीं लूँगा तो मर जाऊँगा। आपको तरीका बताऊँगा, जब टैबलेट खानी है उस टाइम सांस लीजिए। अच्छा एकदम मतलब खा लेनी है, ठीक है। कितनी? 6-6 दे रहे हो? 3 दिन। 3 नहीं, आपने कहा 3 दिन खानी है। टैबलेट कितनी है? 6-6। ये सुबह शाम है? शाम है, सुबह शाम। अच्छा सुबह शाम 6-6 गोलियां। और बस यही है इसके साथ? तीसरा आइटम नहीं है यार, ये दो हैं। क्या काम करेंगे ये? बेहतरीन काम करेंगे। चले यार, अल्लाह करे तो बेहतरीन हो। सीने का दर्द बहुत ज़्यादा होता है जब होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। वीवर इधर पहुँचे हैं, मिठाई चेक करें। वाह जी वाह यार, इसको देखें कितने, 1, 2, 3, 4, 5। 2 रुपये का एक है। यार मेरा एक छोटा सा काम है, वो कर दो मैं फिर जाऊं। मेरे बच्चे धूप में बैठे हैं बाहर, मुझे वो नहीं है मक्खियों वाली दवाई, बुखार है उनको बहुत, वो दे दो। वो कितने की एक है? 20 के साथ। हाँ 20 की। तो यार आप नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो अल्लाह के बंदे। 20 की एक है, 20 की एक है। चलो आप 200 रुपए की दे दो। नहीं नहीं कहीं पर भेजनी है। हाँ परेशान हो गया, 200 10 ताशे आएंगे बस। इधर भी है, मिठाई भी मिलती है। बच्चे लोग वैसे बाहर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए नई ताजी? मज़े हैं। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। रिवर जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, मतलब अफजल भाई के घर वाली हैं, जो उनकी बेगम है, उनकी तबीयत हो गई है ख़राब। और इधर जो मेरी वाइफ है वो भी चली गई है, गायब हो चुकी है, उधर भाग गई है। तो आप सब ने उनके लिए दुआ ज़रूर करनी है। अभी हम स्टार ले रहे हैं जी फ्रूट। ओ आप कितने खाओगे? 3। और अच्छा ये मेरा है, ये आपका है, ये वाला है। ये निकड़ू जो है ये आपका है, ये 3 मेरे हैं, ठीक है। ओके करो। निका मेरा नहीं है, ये मेरा है। अच्छा चलो इधर ओके करो, फिर काट के खाते हैं। वीवर जब छीलते हैं तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है, ये देखें रेड रेड सा है। और अब इसकी एक एक या वो निकालेंगे, गुठली, गुठली होती है पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर वो निकालेंगे। और उसमें से जो बीच निकलेगा ना ये वाला, ये हम खाते हैं, मुकम्मल नहीं खाई जाती, कड़वी हो जाती है। खाने हो तो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। वीवर ये कुछ हशर किया है हमने, बाप बेटे ने मिल के, ठीक है। ये देखें, क्योंकि जो ग्रेड फ्रूट है ना उसका वो बीज का माल खाया जाता है, और उसके बाद ये छिलके वगैरह भी सारे पड़े हैं, अभी इसकी सफाई करते हैं। प्लेट थी लेकिन बहुत छोटी सी, फुल हो गई,
तो अब ऐसा करते हैं कि इसको उठा के ना बाहर फेंकेंगे और ये सारी चारपाई ना क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। मेवर अभी अभी हम गए थे शॉप पे और वहाँ से हमने लिया दूध और दूध के साथ चीजी। वाह भाई वाह। हाँ क्या चाहिए? आपका देता हूँ, आपका देता हूँ, आपका देता हूँ, ठीक है। खुशी चेक करें इनकी। अच्छा एक मिनट एक मिनट, तो ये बड़े वाला हसन का और बड़े वाला सिद्दीक का। ओ वो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा कोई नहीं, मैं आपको देता हूँ चीज। अच्छा कोई नहीं, ये मैं देता हूँ अम्मी को। और अम्मी आपने एक पापड़ की थैली इसको देनी है और एक पापड़ की थैली उसको देनी है। एक पापड़ की थैली वकार अहमद की है। ए लो, ये लो, ये आपका। ए हसन का। ये लो हसन, हसन गिनने हसन। चलो जी और सिद्धू का, वकार का। एक मिनट यार वीर दो गया, एक मिनट इसको खोलो, ऐसे खोल के खुल गया। ऐसे हाँ। एक मिनट यार, सीधे सीधे होके बैठो, ये है आपका। मेरा। सीधे होके बैठो। वो अम्मी का और मेरा है, मेरी अम्मी का, ये मेरी अम्मी है। चलो बस सीधे होके बैठ के खाओ, सीधे सीधे। वीवर अभी ये दूध भी मैं ले आया हूँ क्योंकि वकार अहमद को ट्यूशन से लेट हो जाता है, तो फिर वो लेट भेजना अच्छी बात नहीं होती। फिलहाल इसको इधर लटका देते हैं, ठीक है। इसके बाद जब आ जाएंगे सब लोग तो फिर आगे का सोचेंगे। थोड़ा सा दो, ज्यादा मैं दिखाता। बकार आ गया है, मीठा नहीं खाता, नहीं खाता। इनकार भी कर दिया। वाह जी वाह। पापड़ी खाते हो? मीठे कोई चीज भी नहीं खाता। हाँ आप सर पापड़ी खाते हो? चलो पता चल गया मीठा। वकार का रख देते हैं, वकार वापस आ गया है। किधर गया फिर? चले मी बार उसका ये रख देते हैं, फिर आके ना वो खा लेगा। अंदर अंधेरा इसलिए इस वजह से है क्योंकि बल्ला पूरा दिन हम ऑफ रखते हैं, ऐसे फजूल चलते रहे फायदा। चलें जी ये जल गया, लाइट ओपन हो गई। तू जिंदा है? चल तुझे आज़ाद करता हूँ। ये उड़ गया। चलें जी ये मकड़ी के जाले में बेचारा फंस गया था, एक की खुराक बंद दूसरा चला गया। एक चलो जिंदगी भर की खुराक दोबारा उसको मिल जाएगी, जिंदगी ना चली जाए। यार नीचे यार वीर तो हो गए, इधर हो, इधर ऊपर बैठो। चलो इधर बैठ के खाओ, शाबाश खाओ। ये इसकी एक आदत है, जब भी कोई चीज देता हूँ नीचे उतरेगा ऐसे घुमाएगा, सारी वीट छूट के जान छूटी। अभी बैठा रहेगा सही है, फिर जितना खाएगा खाएगा, नहीं तो जायक नहीं करेगा। वीवर वकार अहमद को बुलाते हैं कहीं से, फिर बात होती है। वीवर वकार अहमद भी माशाल्लाह वापस आ चुका है और उसको बुला लिया है। ये चीजें भी अपनी ले आया। क्या पानी? पानी बस ले आओ, ये इनको बहुत है। और गिलास वो पड़ा है, चल ये भी ले आ। इसको ना नलके, गिलास को नलके पे धो के आ जल्दी जल्दी। ये नहीं खाना,
पानी देता हूँ आपको। केला खाना है? केला खाना है? आपने खाना है? नहीं खाना? क्या वजह? पापड़ खा रहे हो? अम्मी आप खाएं केले। पानी का पाला है। पानी देता हूँ उसको। वी वर एक सैड न्यूज़ है, वेरी सैड। वो ये है कि आज वाइफ नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है कि अफजल भाई की जो बेगम है, मैंने पहले आपको बताया है कि उधर चली गया, तो उसका बड़ा ऑपरेशन बताया है, मतलब बच्चे का। तो आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है, तो शायद नाइट वहीं पर गुजारेंगी। वो उसकी बहन है ना, जो अफजल भाई की घर वाली है, वो मेरी संभालेंगे साली है, तो वो उधर ही गुजारेंगी। तो अभी अभी पैगाम आया है कि आप अपने घर की सेटिंग मेटिंग कर लो, और सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। अभी वो नहीं आ रही। ठीक है यार, फाइट नहीं करो, लड़ाई नहीं करो। क्या नहीं करो? फाइट और लड़ाई नहीं करो। तकरीबन कोई 4 साल शायद, या तकरीबन इतने होंगे, 4 साल से या 6 सालों में पहली बार बिना इनकी अम्मी के और साथ में बच्चों के, मतलब अकेला सा बंदा, यकीन करें अजीब अजीब सा फील हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, आ जाता है वक्त। पहले 3-4 पहिया होती थी, आज 2 मैंने बनाती हूँ। पंखा ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, और बाकी का जो सेटअप है वो तो खैर ऐसी पड़े। उधर नहीं जाओ, इधर आ जाओ। तो आप सबसे दुआ की अपील है, अफजल भाई की वाइफ के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है, और अल्लाह पाक उनको और उसके होने वाले बेबी को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मतलब कोई अल्फाज नहीं है मज़ीद कहने के लिए। ठीक है, तो खैर अभी थोड़ी देर बाद रोटी वगैरह कहीं से आ गई तो खा लेंगे, वरना स्लीप। ओके वीवर, अम्मी जान ने माशाल्लाह खाना पहुंचा दिया और वापस भी जा रही हैं। खाना नहीं है? नहीं, मैं खाऊंगी उठाई, और मेहमान हैं बहुत सारे, उन्हें खिलाऊंगी, आप ही खाऊंगी। अच्छा हाँ, तो सब खाओ, इन्हें खवा सुला। बोतल नहीं उठ रही। वो मुझे लगता है कि पड़ी है ऊपर वाले खाने में। हाँ, ज़्यादा ठंडी नहीं है, कोई भी आप ले आए हैं बस सही है। तो माशाल्लाह जी, ये देखें खाना आ चुका है, क्योंकि अहमद भाई के यहाँ थे मेहमान। तो बिस्मिल्लाह, भी मेरा बेटा पढ़ चुका, मुंह में पानी आ रहा है? हाँ। कितने किलो है? यार एक मिनट, सवाल तो पूछने दो। मुंह में पानी आ रहा है? हाँ। कितने किलो? 3 किलो। पानी भी अम्मी जान ले आई है माशाल्लाह। और मैं बोल रहा था कि अहमद भाई के मेहमान आए हुए हैं, तो उनके लिए स्पेशल खाना बनाया गया था, जो कि हमारे नसीब में था। हाँ, गिलास यह रखा है बस। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बर्तन फ्री होते ही हम पहुंचा देंगे। हाँ, इसलिए हमने पंखा भी वैसे बंद किया हुआ है, बोतल पीछे रखी है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। इवर अगर किसी ने हमारे साथ बैठ के खाना खाना हो तो आ जाओ, हम तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वीवर, आज का जो व्लॉग है इसका भी यहीं पे एंड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद है। वकार, ये बोतल और ये गिलास ये उधर रख दो अंदर। तो हाँ, फ्रिज में नहीं, ऐसे बाहर रख दो, इधर अलमारी में रख दो। ठीक है, वाह जी वाह, जनाब पढ़ रहे हैं? हाँ, वाह जी वाह, यह जे काफी है। तो व्यूअर मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट रखिएगा दुआ में याद, बस मसला यही हुआ है, और उसके उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है, क्योंकि पहले ब्लड लगेगा, ब्लड लगने के बाद फिर ऑपरेशन किया जाएगा। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, मैंने कल वाली, पता नहीं परसों वाली वीडियो में बोला था ना कि कमज़ोरी लग रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। तो मिलेगा नेक्स्ट, अल्लाह रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।